ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਅੱਛੇ ਹੋ ਅੱਜ ਬੜੇ ਬਾਹਰ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਮੌਸਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਐਸੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਇਹ ਗਲੀ ਖੁੱਲੀ ਕਰਾਓ अस्सलाम वालेकुम जी अल्लाह के फजल करम और शुक्र के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो आज का व्लॉग सही वक्त पे आए मालिक तो बताए जी सारियां दे क्या हाल चाल है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी डेली की एंटरटेनमेंट जो है ना वो एमएम मिस मुस ना हो जाए। निकल यहां से ऐसा मत कीजिए सिटी जी। मैं वो बैठा उस जगह पे देख ले जिधर मैं लाइव आता हूँ। आज मैं लाइव उधर दीवार पे नहीं बैठा, मैं लाइव आया हूँ इधर बाइक पे बैठ के। तो ऊपर से आप देख ले शाम होने वाले सूरज गुरूब होने वाला है और सीन जो है माशाल्लाह डेली की तरह मेरे गाँव का सीन बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो जिसके साथ साथ अभी अभी मुझे कॉल थी यार आज आप लाइव में क्यों नहीं आया, आज लाइव में कोई बंदा भी नहीं आया, मैं अकेला बैठा हूँ। थोड़ी टाइमिंग चेंज की थी लेकिन कल से वही सेम टाइमिंग रहेगी। वो खोती मेरा व्लॉग देख के मेरी तरफ भागी आ रही है, पता नहीं खोती को क्या मसला है मुझसे यार, शायद उसको मेरी आवाज जो है ना वो प्यारी लग रही है। तो उसके साथ साथ मुझे अभी अभी कुर्बान भाई की कॉल आई है कि जल्दी से आओ मुझे कोई थोड़ा काम है। तो ये देख रहे हैं कि चाबी ऑलरेडी मैंने बाइक में लगा के रखी है, तो चलो चलते हैं देखते हैं उनको क्या काम है क्या मसला है। ये कुर्बान भाई तकरीबन 5 से 7 मिनट का सफर है, पहले तो रोड खराब था अब रोड ठीक है तो इतना ही सफर बनता है। तो यार ईद का जो चौथा पांचवा छठा सातवां दिन है तो आपको मुबारक हो यार, मैंने तो एक दिन में मुबारकबाद ईद की बोल दी। अब लोग तो पता नहीं कितने दिन कितनी देर ईद की मुबारकबाद बोलते हैं। उसके साथ साथ वो आपको छोटे छोटे बच्चों के सर नज़र आ रहे हैं, वो ये फिश फार्म है ना इधर से उनको मछलियाँ नज़र आती है तो वो देख के मछलियाँ खुश हो जाते हैं। तो उससे पहले देख लेंगे सूरज ग्रूब होने वाला है, शाम हो जाए तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल उधर से होके आते हैं और आपका काफ़ी दिनों के बाद कुर्बान भाई से करवाते हैं जी एक ग्रैंड सा मीट अप। चले जी ओके हो गया जी गुड लक जी। एक बात यार आपको बताई नहीं है, वो बात मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि मेरा जो वॉलेट है मेरा जो पर्स है मेरा जो बटवा है मेरे पास जो 400-500 रुपया है वो मेरा घर पड़ा, छुट्टा वापस लूंगा। ओफो भी याद आया। तो ये एक सियाने लोग कहते हैं कि घर से जब भी निकलो अपना बटवा अपना वॉलेट साथ लेके निकला करे। और ये देखे जी फ्लैग्स के पास लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, वो सब बहुत अच्छा है इसलिए लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं क्योंकि ईद की वजह से आवाम इधर आती है। देख ले माशाल्लाह क्या सीन है। ये रहा जी मेरा बटवा, ये रहा मेरा पर्स, मैंने ले लिया है इसको अपनी रखते हैं जेब में क्योंकि पेट्रोल मुक सकता है, बाइक पंचर हो सकती है, कोई ना कोई सो मसला बन सकता है। छोटे छोटे बच्चे गली में खेल रहे हैं, जल्दी आ जल्दी आ, ये बच्चा बहुत उतरा है नहीं आएगा, इससे पहले ये आए मैं भाग जाता हूँ। क्या बाल कराया, वाह यार तू तो फास्ट बॉलर है, मुझसे भी तेज बॉलर है, मैंने जिंदगी में कभी क्रिकेट नहीं खेली, तुमसे अच्छी बॉल मैं फिर भी फेंक। वो बंदा जो आपको नजर आ रहा है बाइक इधर खड़ी करके चोरी चोरी ये चुब्बे मोटे फिशिंग कर रहा है, उसने बाइक नीचे इसलिए खड़ी किया है क्योंकि वो चोरी फिशिंग कर रहा है। मैं जानबूझ के पुलिस ऑफिसर बन जाऊं है तो उसको मैं बोलूं कि चलो भागो जहाँ से किधर आ गए हो, बरहाल नहीं यार छोड़ो वो एंजॉय कर रहा है तो करे हम चलते हैं। आज वाह माशाल्लाह क्या सीन है, क्या सीन है फिश फार्म के ऊपर भी कैसे सूरज चमक रहा है माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सीन है। इस साइड पे डैम है, इस साइड पे फिश फार्म है और बीच में रोड है जिसकी हालत बहुत ही बुरी थी, अब हालत इसकी बिल्कुल ठीक हो गई है। हम टॉप टॉप होते इस रोड पे तकरीबन 100 की स्पीड से भी जा सकत है जी भैया। ईद की वजह से ट्रैफिक बहुत ज्यादा, अभी तो 2-3 बाइक है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है इनकी वजह से, इसलिए थोड़ा ध्यान से भाई जान जाना पड़ेगा। देख सकते हैं ऑटो रिक्शे भी जा रहे हैं माशाल्लाह, बेहतरीन रोड है भाई क्या बात है। तो भी ये यार हमारे लिए बड़ी सूरत बन गया, पहले जो रोड बहुत खराब था तो कुर्बान भाई के पास जाते जाते इतना टाइम लग जाता था यार कोई पता नहीं चल रहा था। चले जी आफ्टर दी ड्राइव ऑफ बाइक 10 मिनट स्कूटर चलाने के बाद अभी कुर्बान भाई के गाँव पहुँचा है जी, तुम्हारे विलेज नजर आ रहा है। यार ये जो इनके एक तो गली है ना बड़ी तंग है, इधर कोई ड्राइवर बंदा ही बाइक चला सकता है, हमारे जैसा बंदा बाइक नहीं चला सकता। इधर देखिए वो सामने बैठे हैं डेरा लगा के हुक्का पी रहे हैं यार। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई छोटे टोपी मैं। हाँ भाई जी होना ठीक हो अच्छे हो, आज बड़े बाहर डेरे लाए ने सरकार, मौसम थोड़ा यार। अच्छा जी ओ लाडू चेयर पे चढ़ चेयर पे चेयर पे चढ़ जल्दी जल्दी हां ऐसे। यार ये मेरा बंदा बड़ा पुराना दोस्त है, मैंने आपको एक फ्री एडवाइस देनी है जी जी बिस्मिल्लाह। ए गली खुली कराओ चाय बोतल पानी बाजी सन पानी पिया दे सादा ते ठंडा होए ठंडा। ओए यार ये हुक्का है ये हम नहीं पीते, हमें मार पड़ती है भाई जान जी आप ही लें यार। ये जी मेरे छोटे छोटे दो दोस्त हैं, इन दोनों ने आज पता नहीं किधर से यार टोपी कितों लई है
शर्मा दी का। हाँ भाई तुम दस दो यार टोपी किधर से लिया भाई जान, इन्होंने कैब किधर से लिया ये मुझे बता ही नहीं रहे। किधर से? जी जी दुकान तो लै गए ने। मेरे तो लगता कि इन्हें चोरी फड़िया ने जी एक ने कितों चोरी फड़िया ने। जल्दी यार बाके जा पानी ला, बड़ी प्यास लगी है मुझे भाई। इमरान खिलाफ जूस भी नया यार, ये बात हो जाए तो मैं कहता हूँ चस आज मजा आ गए यार। जूस वाले भाई भी हमारे इधर ही आ गए हैं, चले कोई बात नहीं, इनसे जूस पीना था ये भाई इधर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जान जी। बिस्मिल्लाह वालेकुम अस्सलाम। चले जी कुर्बान भाई को इनसे गई इनके घर से उठा लिया है और अब हम इनको लेके जा रहे हैं। यार ईद शीद है तो हमने सोचा इनको ले जाते हैं हेड कादराबाद, क्योंकि ये ऑलरेडी हेड कादराबाद में होते हैं यार। ये टूर प्लाजा से भी डर लगता है, कुछ लोग इधर टकरा जाते हैं नीचे, अब ना करना यार। देख लें जी अब हेड कादराबाद में पहुंच गया, ऊपर से सूरज भी गुरूब हो रहा है, शाम होने वाली है। तो हमने सोचा चलो यार हवा बहुत आती है, हम भी एक चक्कर लगाते हैं। क्यों भाई साहब? बिल्कुल। तो इनको घर से जबरदस्ती मैंने उठाया, जैसे वो उठाते हैं वो क्या करते हैं वो सीआईडी वाले के वो किडनैप वगैरह जो करते हैं क्या होता है किडनैपर होते हैं। हाँ वाह माशाल्लाह, ये देख लें दरिया का व्यू क्या बात है, बहुत अच्छा व्यू है। ये लोग भी इंजॉय कर और हम भी इंजॉय करने आए हैं यार। इधर बहुत चस आती है, इधर पानी ज्यादा है इधर पानी कम है, जो भी बात है जरूर उसके साथ साथ होने वाली है जो शाम है। तो ये थी हमारी आज की शॉर्ट सी वीडियो। हाँ एंड करने से पहले हम आपको हेड के उस पार का व्यू लाजमी दिखाएंगे जिधर बहुत ज़्यादा रश होता है। वैसे तो इधर भी है लेकिन इधर छोटे छोटे बच्चों का रश है, ये देख ले आप इधर से ये मछलियाँ देख रहे हैं, लेकिन उधर रश ज़्यादा होगा। चले जी चलते हैं उधर। वाह जी वाह माशाल्लाह, हेड कादराबाद का क्या व्यू है ये देख ले। जिधर हम खड़े हैं इधर उन्होंने पानी भी चलाया, उधर तो पानी नहीं है। ये भाई जान जो है ना क्या काले सुनते रहते हर टाइम, और आवाम का बहुत ज़्यादा रश है, इधर भी पानी जा रहा है इधर भी। कुर्बान भाई हम दोनों का जब भी मूड ऑफ होता है, जब भी हम सेट होते हैं तो हम इस जगह पे आ जाते हैं और ढेर सारा एंजॉय करते हैं। ये देख ले यार ये जगह एंजॉय करने वाली है, देखो पानी का कितना प्यारा, ये देख ले यार कितना प्यारा व्यू आ रहा है, कितना प्यारा इधर आके तबीयत। वाह जी वाह माशाल्लाह, हमारा छोटा मेहमान आ गया यार। इधर भी हमसे मिलने लोग आ जाते हैं भाई, क्या हाल है फिर यार? टोपियां की सेल तो नहीं लगी सारियां लेने जाते हैं। चले ये देख ले माशाल्लाह यार, आपको व्यू दिखाना था हेड कादराबाद का। वाह जी वाह क्या बात है। हम अक्सर नाइट में जब मूड आप हो हम मीट अप करते हैं, पूरी तरह करते हैं। और कुर्बान भाई यार आज भी हास बात कर दो, कोई हास बात है यार? मेरा आज मूड बड़ा खराब। मूड आपका क्यों आज खराब है बताइएगा यार? ज्यादा थी, काम भी नहीं था कोई करने वाला, घर में बैठ बैठ के बैठ, ऊपर से लोड शेडिंग ने तंग किया है यार। लोड शेडिंग ने इतना तंग किया, इतना सीरियस किया, नेट की सर्विस ने उससे भी ज्यादा तंग किया। जब भी लाइव आता हूँ सर्विस जाता है। चले कोई बात नहीं, आज की जो खास बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। बंदे आते हैं हेड पे या फिर ऐसी जगह पे जाते हैं जिधर सैर करते हैं, तो उस दौरान शरीफ बांध के रहा करो, लड़ाई ना यार झगड़ा ना। हमारी 3 दिन से लड़ाई चल रही है। हाँ जी, कभी किसी से छोटे भाई जो लड़ाई करके आ जाते हैं हम लाग ले जाए, ये करें वो, उनको समझाया, आप लोग भी समझाए और ध्यान करें, लड़ाई झगड़ा करना कोई काम नहीं है दोस्तों। क्योंकि हम लोगों ने जिंदगी का पता नहीं क्या क्या किसी को पता है, जिंदगी का कोई पता नहीं है भाई जान, कहाँ पे किस मोड़ पे कोई क्या हो जाए, क्या हो जाए यार। आजकल के बंदे इतने नाजुक है, इतने कमजोर है, छोटी सी चीज लग जाए ना सर पे या फिर कहीं भी तो बंदे का काम हो जाता है। तो ये जो दुश्मनियाँ चलती है, पुरानी दुश्मनियाँ फिल्मों में भी देखते हो, दुश्मनियाँ बहुत सारी ऐसी स्टोरियाँ देखते हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लड़वा के साइड पे हो जाते हैं, फिर कोई तो ये हमारा आज का आपसे तो था ना आज की अच्छी बात थी, जो हमने सोचा फील किया है कि ये बात करने की जरूरत है तो हमने आपसे आपसे कर दिया है। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। सब्सक्राइब जिसने नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो भाई जान ऊपर से अजान का टाइम है, ऊपर से रश देखे, ऊपर से शाम हो गई है, सूरज गुरूब रश ही देख रहा हूँ यार, नजदीक करो जरा। ओए 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 यार ये माशाल्लाह हेड कादराबाद के बहुत ही प्यारे पार्क है, ये रश आप देख ले आप लोग। क्या जबानी आज की गड्डी लेनी है यार, अपने चैनल की कमाई तो ठीक हो गया। हाँ जी की हाल है सरकार, टाइम है आवाम को कोई पता नहीं है, देख लो कोई पता नहीं है आवाम को। भाजी जेडे बंदे इत फिर नहीं आए उन्होंने एना बच्चे कोई फर्क नहीं फिर आ गए यार, अभी बिलाग बना आए हैं, माइर भी बना रहे बिलाग, आप भी बिलाग बना रहे रश यार चले जी कोई बात नहीं है।
कुर्बान भाई ने अपने हाथों से आज बनाए हैं चाव। वो क्या कह रहे हैं, हमें गोश्त खा खा के आ गए थे, मजा लिए चौड़ा दा, अरे हाय ओए मार चावल दा चावल यार बनाया बहुत ही टेस्टी यार, देखने में लग रहा है, अब खा के देख। अपने हाथों से बनाया ना खा ले, गोश्त ज्यादा भी ना खाया करो, मसाइल बनते हैं। हाँ।